Chappelle Cut. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 एडिशन क्लास सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम्स. ये सम्स दे रखे हैं, इनके आंसर आपको पता होना चाहिए. ठीक है, पहला सम है 3 and 4. 3 and 4 कितने होते हैं? 7. तो बॉक्स में क्या फिल करना है? 7. 2 and 2 कितने होते हैं? 4. 16 plus 25 कितने होते हैं? तो आप करके यहाँ देख सकते हो 25 and 16. इसको सोल्व करेंगे अपन. 5 और 6 कितने हो गए? 11. कैरी गया 1. 1, 2, 3 और 1, 4 कितने हो गए? 41. या कितने लिखेंगे हम? 41. अब 27 plus 60 कितने होंगे? 7. 6 और 2 कितने हो गए? 87 होंगे. अब 5, 6 और 8 इसको काउंट करो, इनको ऐड करना है तो कितने होंगे? 5 और 6 कितने हो गए? 11. 11 और 8 कितने हो गए? 19. कितने हो गए? 19. 3 और 2 कितने हो गए? 5. 5 और 6 कितने हो जाएंगे? 11. नेक्स्ट है 12, 18 और 26. 11 आपको अगर ऐसे सॉल्व नहीं करते आए तो हम इसको लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं. 12 लिखा, 18 लिखा, 26 लिखा. ठीक है, तो 8 और 2, 10 हो गए. 10 और 6 कितने हो गए? 16. 16 का 6 1 कैरी जाएगा. कैरी का 1, 2 और 3, 4, 5 कितने हो गए? 56. यहाँ कितने हो गए? 56. इसी तरह आपको सारे सम ये सॉल्व करना है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर. यहाँ हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ 2-डिजिट नंबर्स यूजिंग ग्रिड. ग्रिड की सहायता से हमको क्या करना है? 2-डिजिट के नंबर सॉल्व करना है. ठीक है, जैसे यहाँ सम दे रखे हैं 4 plus 0. तो यह ग्रीडिंग दे रखी है, तो 4 plus 0 कितने होंगे? तो आपको यहाँ से काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है. तो 4 और plus 0 कितने होते हैं? 4. ठीक है, 8 plus 1 कितना होगा? 9. 2 plus 3, 3 plus 4 कितना होगा? 5 और 4 कितने हो गए? 9. इसी तरह आपको 21 और 14 लिखना है. तो लास्ट का डिजिट क्या है? 4 और 1 कितने हो गए? 5. 2 और 1 कितने हो गए? 3. अब 33 plus 5 कितने होते हैं? 33, 34, 35, 36, 37, 38 कितने हो गए? 38. अब 57 plus 25 कितने हो गए? 7 और 5 कितने हो गए? 7, 8, 9, 10, 11, 12 2 कैरी 1 जाएगा. 5, 6, 7 और एक कैरी 8. 82. इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है. अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर. यहाँ पे हमको पढ़ना है अल्टरनेटिव मेथड ऑफ एडिशन. इसमें क्या करना होता है आपको कि जो नंबर्स दिए हुए एडिशन के लिए उसको आपको ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक करना है और फिर उसको सॉल्व करना है. जैसे मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, जैसे आपको दिए हुए हैं सम 76 plus 25. तो 76 में आप 76, तो 70 plus 6 इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया हमने. 25 को हमने 20 plus 5 दो हिस्सों में तोड़ लिया हमने. अब क्या करेंगे, जो बड़ी डिजिट है उनको एक साथ लिख लिया, ब्रैकेट बना लिया, प्लस लगाया. फिर जो छोटी डिजिट है 6 plus 5 उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया. फिर 70 plus 20 को जोड़ा तो कितना हो गया? 90 plus 6 plus 5 को ऐड किया तो कितना हो गया? 11. अब 90 plus 11 को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 101. ठीक है, नेक्स्ट सम है हमारा 128 plus 32. तो 128, तो 100 plus 28 में हमने इसको दो हिस्सों में पार्ट कर लिया, प्लस लगाया. फिर 30 plus 2 इसको भी दो हिस्सों में हमने पार्ट कर लिया. फिर हमने बड़े जो बड़े नंबर्स हैं उनको एक साइड कर लिया, जैसे 100 plus 30.
ठीक है, अब छोटे नंबर्स को एक्साइट कर दिया एक ब्रैकेट में, 28 प्लस 2, फिर हमने इसको 100 प्लस 38 किया, 130 प्लस 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, 130 प्लस 30 कितना गया 160। इनको आपको इस तरह से सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पढ़ेंगे हम एडिंग टू डिजिट नंबर्स। यहाँ पे हमको टू डिजिट्स के जो नंबर्स दिए हैं उसको ऐड करना है, ठीक है। मैं आपको तीन या चार सम बताऊंगी, बाकी सब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जीरो दे रखा है और फिर फोर, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, जीरो अगर कोई भी नंबर्स के ऊपर या नीचे होता है तो जो नंबर्स होता है वही आएगा, क्या आएगा, फोर। अब टू और वन, टू वन कितने हो गए, थ्री। अब टू और टू, आप अगर इसको उंगलियों से काउंट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लाइन खींच के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टू, टू लाइन खींची, टू फिर टू लाइन खींची, टोटल काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर, कितनी लाइन हो गई, फोर। अब यहाँ थ्री लिखा है तो थ्री लाइन खींचेंगे, वन टू थ्री, जीरो लगाएंगे, टू लिखा है इसलिए टू लाइन, वन टू, काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, कितने हो गए ये, फाइव। अब सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ फोर लिखा है फोर लाइन खींची, वन टू थ्री फोर, जीरो लगाया, टू लिखा है टू लाइन खींची, वन टू, काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने हो गए, सिक्स। इसी तरह फोर लाइन खींची, वन टू थ्री फोर, जीरो लगाया, थ्री लाइन खींची, वन टू थ्री, काउंट करेंगे सारी लाइनों को, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने हो गई है, सेवन। इसी तरह आपको सारे सवाल सॉल्व करना है, ठीक है, ये सारे। हम आ गए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 45 पर, जो ये आपको पूरा होमवर्क मैं दे रही हूँ, ये आपको पूरा होमवर्क में करना है और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड भी करना है। गुड बाय बच्चों।